Hello, my dear student, welcome to online classes. So yesterday we discussed about the revolt against the British. तो उन्होंने क्या क्या करा था, एक पहला वार स्टार्ट किया था 1857 में, जिसमें वो लोग मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था. लेकिन प्रोटेस्ट में मतलब वो लोग यूनिटी नहीं थे, उसके कारण वो लोग क्या होता है, रिवोल्ट हार जाते हैं. तो वहां पे क्या होता है, तो ब्रिटिश के जो लोग हैं उन्होंने क्या बनाया था, एक गन बनाया था, एक रफल बनाया था. तो ऐसे रूमर्स फैल गया कि अफवाह फैल गया कि वो जो उसका गिरी से उसमें इस्तेमाल किया जाते हैं, जब ब्लड को इस्तेमाल किया जाते हैं, वो ब्लड की मुंह से उसको खींचना पड़ता था. तो वो ब्लड का जो जगह है जो वो खींचता था, वो किससे बनाया था, वो बनाया था चर्बी से. जो मुस्लिम लोग हैं उनको सूर का चर्बी से उनको खींचना पड़ता था, और जो हिंदू थे वो काऊ का चर्बी उन वो लगाए थे. तो ये सीधे अगेनेस्ट था रिलीजियस सेंटिमेंट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम. तो उसके बाद क्या हुआ, द रिवोल्ट स्टार्ट एट मीरठ एंड सून स्प्रेड टू लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. अब जो हमारा जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मीरठ से स्टार्ट हुआ था. फिर ये आहिस्ते आहिस्ते पूरे लार्ज पार्ट जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया है वहां पूरे ये जंग फैल गया था, ये रिवोल्ट पूरा फैल गया था. फार्मर्स, क्राफ्टमैन एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्वाइन द रिवोल्ट. तो इस रिवोल्ट में और किसका हिस्सा आया, मतलब जो फार्मर किसान थे, क्राफ्टमैन थे और सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो जो सोसाइटी का जो लोग था, किसान था, क्राफ्टमैन था, उन्होंने भी ये रिवोल्ट का हिस्सा बना. तो उन्होंने भी ज्वाइन किया रिवोल्ट में, चलो हम भी इनके साथ देके ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लड़ते हैं. दो द सोल्जर डिक्लेयर द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर. तो जो उनका जो सोल्जर था, जो स्पाही था, उन्होंने डिक्लेयर किया जो उनका लास्ट एम्पायर, लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर था, दियर लीडर उनका लीडर था. द रिवोल्ट वॉज लीड बाई नाना साहब. और रिवोल्ट को लीड कौन कर रहा था, नाना साहब टेनिया टॉप एंड एट कानपुर. तो कानपुर में दो लीडर थे, नाना साहब और टेनिया टॉपी. तो इन दोनों ने ये मतलब रिवोल्ट को लीड कर रहा था, कहाँ पे, एट कानपुर पे. तो वहाँ पे कौन था, और रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी, और झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई था, एंड बेगम हजरत महल एट अवधा. तो ये हुआ उसके बाद. तो आफ्टर द रिवोल्ट के बाद द ब्रिटिश सरप्राइज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ब्रिटिश क्या रहा, पहले वार से ये लोग सरप्राइज रहा. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फेलर ऑफ रिवोल्ट. तो बहुत सारे फैक्टर जिसके कारण रिवोल्ट फेलर हुआ, रिवोल्ट नहीं जीत पाया. तो इट डिड नॉट स्प्रेड ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. रिवोल्ट हारने के कारण ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला था, ये रिवोल्ट पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला था. इंडियन सोल्जर डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स. तो हारने की वजह ये भी है, जो हमारे हिंदुस्तान का सोल्जर्स था उनके पास उतना पैसा नहीं था और अच्छे वेपन्स नहीं थे, हथियार नहीं थे, उसके कारण ये लोग रिवोल्ट हार गए. द रिवोल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली. और रिवोल्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया था. ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश सोल्जर वेयर वर्ल्ड ऑक्यूपाइड. तो उसके कारण क्या हुआ, ये हार गई, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया था.
दूसरे लफ्जों में जो ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटिशर सोल्जर थे, उनके पास अच्छी खासे अच्छा खासा क्या था, इक्विपमेंट था, सामान था, हथियार था, विथ मॉडर्न वेपन्स, और जो मॉडर्न वेपन्स थे, हथियार थे, एंड वेर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करते थे, इसलिए वो लोग जीता, हिंदुस्तान के सोल्जर्स हार गए। तो ये हुआ हमारे आज का टॉपिक। तो उसके बाद हम कल पढ़ते हैं नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।